साहब आप मुझे ऊपर लेके जाओगे ना? हाँ हाँ लालक, क्यों नहीं, परेशान क्यों होता है, ले जाएंगे यार। घबरा तो नहीं रहा, परेशान तो नहीं है? सर क्या बात करते हैं, घबराना क्यों है, बस बेचैन हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। और मुझे पता है अगर मैं किसी जगह पे फंस गया तो आप आओगे मुझे लेने के लिए। पहले तो ये लालक के तू फंसेगा नहीं इंशाल्लाह, फिक्र मत कर, और अगर ऐसा हुआ तो हम ज़रूर आएंगे। I still remember these words, but I never knew at that time that this young lad is gonna change the definition of bravery. Lalak was a brave heart. बहुत ही जिगरे वाला बंदा था। जिंदगी में आप ऐसे लोग कम ही देखते हैं। And yes, we went in for him and we brought him back. हम लालक को वापस लेके आए। जंग के तीसरे दिन मैं और मेरी कंपनी वहाँ पहुँचे टाइगर हिल पर। नॉर्दर्न कमांड को मसला ये आ रहा था कि सेकंड राजपूताना के डर के मारे ऊपर आ नहीं रहे थे, अब हमें नीचे जाना था उनके पास। हमारी बेस से 400 मीटर नीचे वो एमुनिशन डंप कर रहे थे और रात को आते थे और वहाँ सामान फेंक के भाग जाते थे। ये एक छोटी बेस थी और 800 मीटर नीचे उनकी मेन सप्लाई लाइन बेस थी। हमें इन दोनों पर हमला करना। चंद घंटों के बाद ही हमने उनके एमो डंप पे हमले करना शुरू कर दिए। हम 16 लोग थे और उनकी तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा थी। नीचे वाली बेस के ऊपर गोरखा भी मौजूद थे। अगले 4 दिन हम उनसे लड़ते रहे। लड़ाई इतनी करीब से हो रही थी कि इवन गन्स वर इररेलेवेंट, हैंड टू हैंड बैटल्स चल रही थी। 56 इंडियंस वहाँ मुर्दार हुए और बाकी नीचे वाली बेस के ऊपर भाग गए। वी फॉलोड देम। 4 दिन के अंदर अंदर ये दोनों बेसेस हमारे काबू में आ चुकी थी। 2 दिन तक हम वहाँ मौजूद रहे कि नीचे से इनके फ्रेश यूनिट्स ऊपर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। एनिमी वॉज इन शॉक एंड ऑ, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है और ना ही उनमें से कोई ऊपर आने के लिए तैयार था।